सोनू टैप कैसेट। भाभी जान कैसा रो रही हो, घर में कोई दिक्कत आ गई क्या? सरगु भाई दिक्कत के बारे में तो मुझे कुछ मालूम है नहीं। फिर तुम रो क्यों रही हो? सच जो रो रही थी उसे देख के मैंने भी रोना शुरू कर दिया। ऐसी बात है। सज्जू क्या बात होगी, रो क्यों रही है? बात क्या है वो तो मुझे भी नहीं पता। मेरे शेख जी रो रहे थे, उन्हें देख मेरा दिल पिघल गया। क्यों भाई शेख चिल्ली तू रो क्यों रहा, क्या बात हो गई? क्यों रो रहे हो? तू कैसे कर रहा है? हमारा घर हम रो यहाँ से निकल ले जाता। चलिए राज क्यों रहा बता, तुझे क्या बात है, क्यों रो रहा है? हमारी मर्जी, हमारा घर हम रो यहाँ से, तू धार ले। अबे बिना किसी वजह के मनहूस रोते हैं, तू रो मत, चुप हो जा। मैं प्रैक्टिस कर रहा था अकल के कोलू। तू एक बात बतला, जब मेरी सज्जा मरेगी तो मुझे रोना नहीं पड़ेगा? रोना पड़ेगा ना, तो इसलिए मैं प्रैक्टिस कर रहा। अरे कर तुमने कर दिया, अरे घर पे काम नहीं है कुछ। आई जा ले, सारा गला मार मारूंगा। अजीब आदमी घर में तो जा रहा है। ले ले ले, तू किसने बुला लाया? चल ए अजीब ही परिवार है, तुम घर में जाओ। नहीं निकल गया मैं, साले आए। प्रैक्टिस कर रहा था, आराम जाते प्रैक्टिस कर। चलो जी चलो, आइए रोने लगी बैठ गया। अब बात पूछिए अली, ए मेरा शेख चिल्ली है। क्यों जी तुम मेरे से दुखी हो गए हो? हाँ जो मेरे मरने का इंतजार कर रहे हो, एक तुम्हारा रोने में साथ दिया और तुम मुझे ही मार रहे हो। मैं तो तुझे कह रहा था अगर तुम मर गई तो मुझे रोना पड़ेगा और दूसरी बीवी चाहिए मुझे। और जब तुम मर जाएगी तो मैं दूसरी बीवी लाऊंगा और गोरी गोरी लाऊंगा, कजरा लिया करवाली। दूसरी बीवी तुमने लाने की सोच के लिए मन में, दूसरी बीवी तो मैं दिलाऊंगा तुम्हें कजरा। मेरी मजबूरी का फायदा उठा रही है, मेरी बौधलाई का फायदा उठा रही है। मुझे मारा या अल्लाह भैया तुम कहाँ पड़ के सो गया? अल्लाह भैया उठा ले, जो भी देखे मेरी नास। बेटा यहाँ बैठा बैठा किसे कोस रहा है? अभी तुम्हें पता नहीं है मुझे आज सजरा ऐसा मारा का वक्त ना, जैसे मैं अपने कदम पीटता हूँ। अरे जब तू उल्टी सीधी हरकत करेगा तो पिटाई तो होगी ही। ठीक है अम्मी, आज से मैं उल्टी सीधी हरकत नहीं करूँगा, आज टेढ़ी मेढ़ी हरकत करूँगा। अरे कमबख्त, तुझे कभी अकल आएगी भी या नहीं? बेवकूफ़ का बेवकूफ़ ही रहेगा। क्या अम्मी अबू भी बेवकूफ़ थे? जा निकल ले जा, तूने मुझे मारा और सजो मुझे पीटते हो। मैं ये कह रही हूँ आटा खत्म हो गया है, आटा ला दो नहीं तो रोटी नहीं मिलेगी। आटा खत्म हो गया, चावल पका ले। हाँ, क्यों नहीं, तुम्हारे अब्बू ने चावल की बोरियां रखवा दी है ना, जब मैं तुम्हें बिरयानी पकाऊंगी। कान खोल कर सुनो, जब तक राशन नहीं भरवाओगे जब तक रोटी नहीं मिलेगी। अल्लाह के नाम से कुछ आटा दे दे माय। ए माय आ गया आइडिया, आइडिया आएगा, आ गया आइडिया। सचो ऐसा मैं अभी लाता हूँ, कमा के लाता हूँ, मैं कमा के लाता हूँ, तेरे लिए कमा के लाता हूँ। काल पकड़ के मार के पकड़ मुझे, तेरे से बदला ले लूँगा। काल पकड़ के मार के कमा के लाएंगे, फिर बड़ा तीर मार देंगे ना ये। अल्लाह के नाम पे कुछ आटा दे दे माँ, अल्लाह के नाम पे कुछ आटा दे दे माँ। आप भूंडी निकल गए, मैं क्या बेच रहा? दादी मैं कुछ बेच ही रहा, भीख मांग रहा हूँ। मैं भीख मांग रहा? मैं क्यों मांग रहा भीख? अरे मुल्ला जी क्यों मेरा टाइम खराब कर रहे हो, कुछ देना है तो दे दो नहीं तो मना कर दो। वाह कछुए की तुम, वाह क्या दे तुझे भीख में। वाह भीख में का तुझे अपने घर वाले को देना। चल मैं दे भी दूं तो बदले में क्या देगा? अरे मुल्ला जी मैं तुम्हारी बीवी आके अचार डालूंगा। अरे मुझे भीख में कुछ देना है तो दाल, आटा, चीनी, तेल, बैगन, तोई, टिंडा या कुछ पैसे ही दे दो। इतना सारा डंगा मांगेगा भीख में? अच्छा एक बात बता, तो रोटी खाएगा? हाँ खा लूंगा, गरमा गरम खाएगा, गरम गरम रोटी खाएगा। ओ वेट, अच्छा इसमें क्या ले रहा है थैले में? इसको दिखा, थैले में क्या ले रहा है? आटा है। इसको दिखा क्या है? अरे 2-4 किलो होगा, लेकिन आप क्यों पूछ रहे हैं मुल्ला जी? दिखा दो सही। अरे नहीं मेरा आटा मुझे दे दो। अरे दिखा दो सही। अरे गरमा गरम रोटी नहीं खानी? हाँ खानी, अगर सज्जा रोटी पकाएगी तभी तो खाएगा। लेकिन तुम मेरा आटा क्यों छीन रहे हो मुल्ला जी? अच्छा देखा, निकल ले, निकल जा साले का लबाटा मार को, निकल साले इसके मार दूंगा मैं, निकल जाएगा मैं। अरे मुल्ला जी मेरा आटा मुझे वापस दे दो, तो मैं तुम्हें बद्दुआ दे दूंगा। निकल अल्लाह करे तुम मरे, तेरा खानदान मरे, तेरा दुनिया से नाम निशान मिट जाए। लोगों को बिगाड़ेगा साला, भीख मांग मांग लोगों को बिगाड़ेगा। अल्लाह करे तुझे दुनिया, अल्लाह पाक तुझे दुनिया से उठा ले, या अल्लाह पाक इस मनुष्य के सूरज दुनिया से मिटा दे। या अल्लाह पाक तू मुझे तेरा खानदान का नाम निशान। आया साला मुझे उठवा रहा, अल्लाह पाक उठा ले। मैं अल्लाह पाक जब ठाएगा जा लिवाला किरण शेख चिल्ली को ठवा दे, तू किरण से ठवा दे शेख चिल्ली को। ये दे अरे 2 लड़ी सारा आटा कमा लिया, और सच्चे जाती खुश हो जाएगी, अम्मी भी खुश हो जाएगी, अम्मी भी नहीं मारे और अब्बू भी खुश हो जाएगा। ये देखिए जिया आटा किधर गई? सच्चा बाहर निकल, कहाँ घुस के घर वाले में घुस रही है? सच्चा क्या हो गया जी, क्यों चीख रहे हो? चीख नहीं रहा, देख देख मैं कितना आटा कमा के लाया हूँ, देख तो सारा। अब ऐसा कर रोटी पका ले, भूख लगी है मान से, बहुत भूख लगी हो जाए। शेख जी तुम इतनी जल्दी इतना सारा आटा कमा लाए, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। हाँ यकीन नहीं हो रहा, यकीन नहीं हो रहा। एक तू ये मुझे पागल समझती है, पागल नहीं है शेख चिल्ली, बहुत अकलमंद हूँ। हाँ ठीक है ठीक है, मैं इतने रोटी बना रही हूँ, इतना तुम नहा लो। बिल्कुल नहीं नहाऊंगा। क्या कहा, क्यों नहीं नहाओगे? अब तो नहाया था ईद पे, कैसा मर्द ने पल्ले बांध दिया है जो एक साल तक नहाता भी नहीं है। हाँ एक साल तक नहाता नहीं, 1 साल तक बस साल भर में 2 बार ईद आती है ना। हाँ तो साल भर में 2 बार नहीं नहाया, निकल ले निकल ले, साली की शक्ल बिगाड़ दे। सही है रोटी पका और मैं आराम करता हूँ। तो आटा कमा लाया और मैं लेटता हूँ, आराम करता हूँ, तो आटा कमा लाया हुआ। या अल्लाह मन दे दे तू 56 करोड़, या अल्लाह मन दे दे तू 56 करोड़, मेरे दिल की मिट जावे सारी मरोड़, मेरे दिल की मिट जावे सारी मरोड़। या अल्लाह मन दे दे तू 56 करोड़, या अल्लाह मन दे दे तू 56 करोड़। तेरे राजकुमारी झूम के गाऊंगा। आँखों के मेरे सपने पूरे हो जा अरमान, जो पागल मन में बोले बोलेंगी कह के जान। मेरे आगे बच्चे चोरी लगावेंगी दौड़, मेरे आगे बच्चे चोरी लगावेंगी दौड़। या अल्लाह मन दे दे तू 56 करोड़, या अल्लाह मन दे दे तू 56 करोड़। शेख चिल्ली कल तक फकीर के आटे से काम चल गया था, आज अगर काम नहीं चला तो अलग ही होने आने वाली है बेटा। आज क्या होगा? अगर घर में कुछ काम करने के लिए नहीं गया तो सज्जन मारेगी, अम्मी भी मारेगी और अबू भी मारेगा और भूखा भी मरना पड़ेगा। साले चार मार झेलनी पड़ेंगी, है चार मार झेलनी पड़ेंगी। इसलिए कुछ काम करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा मुझे। अरे मुल्ला जी के बच्चे हैं दाढ़ी वाले, अरे खुद तो मरा ही मरा, मुझे भी मरवा दिया। देख के नहीं चल सका था क्या? तुझे पता तूने मेरे पिछड़े बैग का पहिया मार दिया, मेरे तो पाले लगा हुआ था पहिया, और ऊपर से ऐसे की तैसे कर रहा मेरी, और ऊपर से मुझे लोग आ रहा मेरा जल पता चला दिया। निकल जल्दी, लपाटे मार दूंगा। मैं क्या बताएगा मारियो, तू मुझे कब मारा शेख चिल्ली मेरा नाम? डर जा मेरे से, डर जा। अबे रहने रहने, तेरे जैसे 365 फिरे मेरे आगे पीछे। तेरा हिम्मत है शेख चिल्ली, लड़ेगा तू? हाँ लड़ूंगा। रे रहने रहने, भोंडी शिकल के ना तो तेरी दोनों गोली निकाल के ना कंचे खेलने शुरू कर दूंगा। मैं मेरी आंखें कंचे? हाँ तेरी शकल बिगाड़ दूंगा शेख चिल्ली से। रे रहने दे तुच्ची दाढ़ी। अरे 2 लीटर दूध पियो, 4 लीटर मूत तू में। इतना मूत है? हाँ देख ले मूत। बेटा आज मैंने भी तेरा मूत ना देखा तो मेरा नाम शेख चिल्ली नहीं, मुझे वैसे मान रहा। तेरा नाड़ा खींच लूंगा, नाड़ा खींच लूंगा तेरे हरी में छोड़ूंगा। अब नहीं हरी में छोड़ूंगा, ना ना छोड़ूंगा नहीं, हरी में छोड़ूंगा नहीं। पप्पू को मारेगा, 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 खोलूंगा, मिर्ची खोलेगा, मिर्ची खोलेगा। अरे क्यों लड़ रहे हो बंदरों के डाल आपस में? छोड़ो। क्या करा? तू क्या बीच में क्यों आया तेरे बाद? कौन है भाई तू? अरे कौन है तू? अरे भलाई का दवा नहीं ना क्यों? भलाई का मतलब हमारा क्या करना तू? तो आपस में लड़ रहे छुड़वा रहा हूं। ये छूतड़ी ऐसी पीटूंगा जैसे बंदर का पिछंदा। नहीं, हमारा फैसला है। अरे हमारा फैसला क्यों कर रहा है? मैं तेरा कच्चा खोल लूंगा। यूं कर रहा हूं मैं तेरी मिर्च खोल लूंगा। हां बता। खोलेगा कच्चा? खोलेगा मिर्च? खोलेगा कच्चा? नहीं मिर्च खोलेगा। बता भाई बता जल्दी कर फैसला। फैसला कर। हमारा करना तुम्हारा फैसला। तुम मेरे बस की ना तुम्हारा फैसला करना। क्यों आया बीच में फटे में टांग अड़ाने के लिए? भाई अब केस क्यों ले रहे हो? मेरे बस की नहीं है फैसला करना। क्यों किसी को पकड़ायो? कहीं का वकील बन रहा? कर फैसला कर। मेरे बस की ना मेरे कहां से आ गए? फैसला कर जा। मर जा। हां भाई तू बता कहां जा रहा था? मैं तो काम पे जा रहा था कमाने के लिए जा रहा था। भाई यार कमाने के लिए तो मैं ही खिलाऊं घर से। तो कमावेगा? हाँ यार मेरे काम लगवा दे वरना मुझे सच्चा मारेगी। हर शादी हो गई? हाँ खूबसूरत सी बीवी है। बाहर भी होता है मुझे। चलो काम नहीं करता मुझे बाहर। चल तो फिर कमाने को चल। मेरे सर भी फूटे पड़े। हाँ बेटा तरबूज से खिल गए। ओबे तो दूसरा मर गया। अब क्या होगा? ठीक है मगर मैं तो जिंदा हूँ। मैं जिंदा बच गया। तीनों मर गए। ओबे बिल्कुल मेरा जैसा आदमी। ओबे की तो दाढ़ी मेरे जैसी है, टोपी भी मेरे जैसी है, और इसका तो कुर्ता भी मेरे जैसा, कच्चा भी मेरे जैसा। बेटे कमाल हो गया है। ओबे मैं कोई ख्वाब तो नहीं देख रहा हूँ। हाँ ठीक है सब चीज मेरे जैसी है, मगर साले एक बात है, तेरे पास मेरे जैसी सच्चो नहीं हो सकती। हाँ है ख्वाब तो नहीं देख रहा हूँ। कैसे चला सकता था कमबख्त? मैं छाती में चला शेख चिल्ली की छाती में चला रहा था साइकिल को, हैं? कदे कैसे चला सकता गाड़ी? आया साला। बेटा शेख चिल्ली कमाल हो गया, तेरे पर गाड़ी उतर गई और मैं जिंदा का जिंदा ही हूँ। यानी कि अब मैं मर गया जादूगर, ठीक है? वाह मेरी सच्चो, अब मजा आ गया, अब आ गया मजा। और तो मेरी दुनिया भर के अखबारों में फोटो चमक रहेगी, टीवी में मेरी तस्वीर आग रहेगी। हाँ, अब मुझे काम करने की कोई जरूरत नहीं है, अब तक घर बैठे पैसा कमाया करूँगा। सज्जो को बताता हूँ, चल गए सज्जो राजी हो जाएगी, सज्जो बताता हूँ, चल गए राजी हो जाएगी। आना बकरे की शिकल के साला का लपाटा मारूंगा, साला एक भी नहीं गिरने का हूँ। आया साला शेख चिल्ली को पागल समझ रहा है, बोलेगा हाथ बोलेगा हाथ बोले हाथ बोले हाथ बोला साले, हैं? अबे अबे मुझे क्या हो गया? साले हैं शेख चिल्ली को पागल मारा, पागल मारा साला भगवान रखने भगवान। मुझे क्या होगा, साले? अबे मैं किसी को पकड़ नहीं सकता, मैं किसी को छू भी नहीं सकता। या अल्लाह मैं क्या हो रहा? ना मेरी कोई आवाज सुनता, मेरी कोई आवाज सुनता ही नहीं है, और ना मेरी। तुम मर चुके हो, जिसे तुम अपना हमशक्ल समझ रहे थे वो तुम्हारा हमशक्ल नहीं बल्कि तुम्हारा मुर्दा जिस्म है। अब तुम सिर्फ एक आत्मा हो। क्या मर चुका लड़िया? क्या मर चुका? मैं मरना नहीं चाहता, मैं बहुत मरना नहीं चाहता। अल्लाह भैया मुझे माफ कर दे, मैं बहुत मरना नहीं चाहता। मौत हो जाने के बाद कोई दोबारा जिंदा नहीं हो सकता, मगर हम तुम्हें कुछ दिन जीने की मोहलत दे सकते हैं। या मेरा मौला मुझ पर करम कर, हैं? मैं बिल्कुल मर नहीं जाता। या मेरा मौला मुझ पर करम कर, मैं पांच टाइम की नमाज पढ़ा करूंगा, रोजे की रखा करूंगा, मैं सारा कर्म करूंगा। अल्लाह भैया मुझ पर करम कर दे, मैं नहीं मरना चाहता। ठीक है, तू अपना जिस्म छोड़कर किसी भी जिस्म में दाखिल हो जा, तू जिंदा हो जाएगा। लेकिन एक बात याद रखना, जिस दिन तेरी बीवी ने तुझे गधा कह दिया उसी वक्त तू दोबारा मर जाएगा। मैं गधा नहीं कहने दूंगा। सच्चा नहीं कहने दूंगा, मुझे गधा मत कहिए कभी, बिल्कुल नहीं कहने दूंगा गधा। अगर मैं किसी की आत्मा, मैं आत्मा किसी के शरीर में घुसूं, हाँ बेटा शेख चिल्ली, वही दोनों तो बिल्कुल फूटे पड़े। पप्पू का शरीर ठीक है, इसका शरीर में घुस जाता हूँ। ये ठीक जिंदा तो मैं हो गया, अब क्या करूँ? मैं काम गया इसी की तैसी में, मैं तो अपने घर को चलता हूँ। सज्जो, अरे तुझे फुर्सत हो तो रोटी पका ले। अम्मी अभी तो मैं आराम कर रही हूँ, पका लूंगी रोटी। हाँ रोटी नहीं पकानी क्या? देखना अम्मी, अभी तो शेख जी भी ना आए, जब शेख जी आएंगे तो गरम गरम रोटी पकाऊंगी और गरम गरम रोटी उन्हें खिला दूंगी। बस चल तो उठ, मुझे आराम करने दे। उठ आराम। अच्छा चलो अम्मी, लाओ मैं तुम्हारा सर देखती हूँ। हाँ आओ बैठो। अरे सज्जो, पता नहीं शेख कब आएगा। हाँ अम्मी आ जाएंगे शेख जी। अम्मी जी मैं आ गया। अरे नास पीटे कौन है तू? अरे अम्मी जी मैं तुम्हारा शेख चिल्ली तो हूँ। मुझे अम्मी क्यों कह रहा है? मैं तेरी अम्मी क्यों होती? मैं तो शेख चिल्ली की अम्मी हूँ। अरे अम्मी मैं तुम्हारा शेख चिल्ली तो हूँ, पहचान लो। नहीं पहचानोगी? अम्मी लगता है कोई अफीम जी है, अफीम खा के इसका दिमाग खराब हो गया है, जब तो ऐसी उल्टी सीधी बातें कर रही है ये। अरे नहीं नहीं सजो बेगम, मैं अफीम जी नहीं, मैं तो तुम्हारा मियाँ हूँ, तुम्हारा शेख चिल्ली, पहचान ले। हराम के बच्चे, अब की बार मुझे अपनी बीवी को कह दियो, मैं तो चिमटे से जबान खींच लूंगी। हाँ देख सज्जो, हराम का बच्चा कह ले, कुत्ता का पिल्ला कह ले, पर गधा ना कह दियो। अगर गधा कहेगी तो तू रांड हो जाएगी। ना 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 गधा मत कहियो। अम्मी मुझे लगता है कोई डाकू है जो ये मीठी मीठी बातें करके हमें यहाँ से लूट के ले जाने आया है। लगता मुझे भी ऐसा ही है। हाँ अम्मी तुम नस करो, शोर हो जाओ, तुम सबको बुला लो, मैं इसे पिटवाओ। हाँ अरे अरे सरफू भाई, अरे सरफू भाई आइयो, डाकू आ गया हमारे साथ। नारायण तकदीर अल्लाह अकबर, कहाँ है डाकू? बताओ मुझे, बताओ मुझे कहाँ है डाकू? अरे सर भाई अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अरे कहाँ है डाकू बताओ मुझे। ओबे ओबे मैं ओबे ओबे मैं। अरे तेरी नजरें कमजोर है क्या? इतना मोटा था डाकू तुझे दिखाई नहीं देता? डाकू यहाँ है। मैं भी मारता हूँ, मैं डाकू मारने को हार। ओबे सरपू भाई, ओबे सरपू भाई मारे, ओबे मरवा दे सच्चा मरवा दे, ओबे मरवा दे, ओबे सरपू भाई, ओबे सरपू भाई, ओबे मरवा दे सच्चा मरवा दे, ओबे मरवा दे, ओबे 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 सर भाई मैं हूँ, ओबे शेख चिल्ली, ओबे अम्मी अम्मी ओबे सच्चा मरवा दे, ओबे सरपू भाई मैं हूँ, भाई साहब मैं हूँ, भाई साहब सरपू भाई मैं हूँ, मान जा सरपू भाई, मान जा, ओबे सच्चा मरवा दिया रे। अबू कहाँ जा रहे हो अबू जी? अबे दूरत कौन है तू और अबू बैठा के क्यों लिपट रही है? नलायक नहीं पहचान रहे अबू जी, मैं तुम्हारा शेख चिल्ली पहचान लो। अबे तेरी आवाज तो मेरे शेख के जैसी है पर तेरे शक्ल उसके जैसी ना है, तू कैसा शेख चिल्ली है? अबू जी मैं तुम्हारे पजामे के नाड़े की कसम खा कह रहा हूँ, मैं तुम्हारा शेख चिल्ली हूँ। हाँ अबे तू मुझे बावला मान दिया, मैं अपने बेटे को भी पहचानूंगा तो किसे पहचानूंगा? हाँ जी अबू ने पहचान लिया। हाँ मैंने तुझे पहचान लिया है, तू जरूर किसी पागलखाने से भाग के आया है। अबू मैं पागल नहीं हूँ, मैं शेख चिल्ली हूँ, पहचान लो। नहीं पहचानोगे? अबे मेरे शेख के तो दाढ़ी मूछ भी थी और वो तो बेवकूफ भी है, तू क्या बेवकूफ है? अबू मेरा यकीन करो मैं तुम्हारा शेख चिल्ली हूँ। मैं ना काम पे जाते वक्त ना मर गया था, दोबारा जिंदा हो गया हूँ। पहचान लो अबू, पहचान लो। कहाँ भाग लिए अबू जी, रुक जा, पहचान ले। चढ़ गया, गिर गया, नीचे गिर गया। अबू पहचान ले अबू, सांड मैं शेख चिल्ली हूँ, मैं सांड। पहचान लो अबू, पहचान लो, मैं तुम्हारा शेख चिल्ली हूँ। नहीं पहचानोगे? पहचान लो। चलो शेख चिल्ली पता नहीं क्या होगा, ना अबू पहचानते, ना अम्मी पहचानती, ना सज्जो पहचानती। पता ना क्या बुद्धि मारी गई, अच्छे खासे मजे से दिन कट रहे थे, ना कमाने को जाता, ना मरता, ना फिर से जिंदा होता, ना मेरी दुर्गति होती। सत्यानाश हो इसका। तू यहाँ बैठे क्या कर रहा है? स्कूल क्यों ना गया तू आज? अरे भाई तेरी आंखों में रचंदा आ गया क्या है? या तो नए नरपिजी हो गया या तुझे दिखाई नहीं देता। इतने बड़े आदमी को तो पप्पू बतला रहा शेख चिल्ली। नहीं पहचानेगा? पट्टे मुझे लगा आज सुबह किसी लम्बे दम मार लिया, देखा है तुमने, तभी तो अपने आप को शेख चिल्ली बता रहा था। चल निकल यहाँ से, ना तो मार मार कर तेरा कंजर बना दूंगा, लपाड़े मारूंगा, इतने लपाड़े मारूंगा याद रखेगा, निकल ले। अरे पप्पू सुधर जा, हर बार तो फेल हो गया तो कम से कम इस साल तो पढ़ाई करके पास हो जा। फिर मुझे पप्पू कह रहा, साले तुझे कितनी बार बतलाऊं, मैं पप्पू नहीं हूँ, शेख चिल्ली हूँ, शेख चिल्ली। हैं? नहीं पहचानेगा? मुझे लगा सिर्फ तक एडिया लगा लिया दिखा तुमने आज, तभी तो तेरी अकल खराब हो गई है। अच्छा अरे तेरी ले आ भी ले तुझे दिखा दो। कहेगा पप्पू, कहेगा पप्पू, पप्पू कहेगा, पप्पू कहेगा, साले ऐसा कर दूंगा, ऐसा ले, पप्पू कहेगा, कहेगा शेख चिल्ली पप्पू बतलाएगा, शेख चिल्ली पप्पू बतलाएगा। साले मार मार का जिनावर जैसी शिकल बना दूंगा अगर आज के बाद पप्पू का हाथ निकल जाएगा। यार पप्पू, मैं कहाँ से पप्पू? फिर पप्पू कहेंगे। शेख चिल्ली, गौर से देखो तो मुझको, मैं हूँ शेख चिल्ली। जो खिल्ली ना पप्पू ना चप्पू ना ही मैं बिल्ली, ना पप्पू ना चप्पू ना ही मैं बिल्ली, गौर से देखो तो मुझको, मैं हूँ शेख चिल्ली। गौर से देखो तो मुझको, मैं हूँ शेख चिल्ली। समझेगा जो मुझको घायल वो हो जावेगा, पागल समझेगा जो मुझको घायल वो हो जावेगा। एक लफाड़ा मार दिया तो जान से वो जावेगा, आग लगा दो चुटकी में हूँ माचिस की तिल्ली। ना चप्पू ना ही मैं बिल्ली, ना पप्पू ना चप्पू ना ही मैं बिल्ली, गौर से देखो तो मुझको, मैं हूँ शेख चिल्ली। गौर से देखो तो मुझको, मैं हूँ शेख चिल्ली। ना पप्पू ना चप्पू ना ही मैं बिल्ली, ना पप्पू चप्पू ना ही मैं बिल्ली। गौर से देखो तो मुझको, मैं हूँ शेख चिल्ली। गौर से देखो तो मुझको, मैं हूँ शेख चिल्ली। हाँ, गौर से देखो तो मुझको, मैं हूँ शेख चिल्ली। गौर से देखो तो मुझको, मैं हूँ शेख चिल्ली। अबे नहीं निकल रहा, चल निकल ले, निकल ले। कहाँ घूमते फिर रहे हो? तुम्हें पता है घर में एक डाकू घुसा है। डाकू क्या हमारे घर में ऐसी की तैसी कराने आवेगा? फुट्टी कोड़ी तो है ना हमारे घर में। फुट्टी कोड़ी तो ना है मगर मैं तो हूँ। क्या पता वो मुझे उठा कर ले जाता। तेरा क्या अचार डालेगा? तेरी तो वैसी वैलिडिटी खत्म हो चुकी है, तुझसे तो कोई मिस कॉल भी ना मार सके। मुझे तुम्हारी हर टाइम की मजाक बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। अब्बू, आपका पजामा कहाँ गया? अरे पूछे मत बेटी, आज मेरे साथ क्या हुआ। क्यों? बताओ तो सही। आज एक पागल मुझसे लिपट गया था, बड़ी मुश्किल से जान बचा के आया हूँ। उसी ने तो उतारा मेरा पजामा। सज्जो देख, मेरा शेख चिल्ली आ गया। आज तो ये कमा के लाया होगा। इसके ऐसा कर, इसके लिए आटे का हलवा बना दे सरसों का तेल डाल के, इसे भूख लगी होगी। हाँ वो तुम ठीक कह रहे हो शेख जी, मगर तुमने ये बाल्टी क्यों और रखी है? और ये क्या फैल रखा? उतार दो बाल्टी को। ले, हम तुम्हें क्यों पीटेंगे? चल बाल्टी उतार। अभी लो इसको। सजाना मुझको पता कैसी दी ये सजाना मुझको पता। मेरे खुदा ये क्या कर दिया है, अपनों से मुझको जुदा कर दिया है। कैसी दी ये सजाना मुझको पता है, कैसी दी ये सजाना मुझको पता ना, मुझको पता। कहते हैं मुझे पागल सारे, कौन सी मुझसे होगी खताना, मुझको बताना, मुझको पता, मुझको बताना, मुझको पता, मुझको पता। मुझको अपने गले लगा लो, अम्मी अबू पास बुला लो, मुझको अपने गले लगा लो। मैं हूँ तुम्हारा ही शेख चिल्ली, सजो मुझे ना घर से निकालो। क्यों ना मेरी बात सुनो तुम, मुझे तो बताना, मुझको बताना, मुझको पता, मुझको बताना, मुझको पता। नजरों से सब की छुप जाओ, दिल करता है मैं मर जाओ, नजरों से सब की छुप जाओ। कोई मुझे अब ना पहचाने, सज्जों ने कैसे बतलाऊं, मुझको उठा ले मेरे रब्बा, यही है दुआ ना, मुझको पता, मुझको बताना, मुझको पता, मुझको पता। मेरे खुदा ये क्या कर दिया है, अपनों से मुझको जुदा कर दिया है, कैसी दी ये सजा ना, मुझको पता, कैसी दी ये सजा ना, मुझको पता। मेरे खुदा ये क्या कर दिया है, अपनों से मुझको जुदा कर दिया है, कैसी दी ये सजा ना, मुझको पता है, कैसी दी ये सजा ना, मुझको पता, मुझको पता। सच्चा मुझे बहुत जोर की भूख लगी है, मैं बिना खाना खिलाए घर से बाहर निकाल दिया। तो मैं जरूर तेरा रात के 12 बजे इंतकाल होगा। अबे तूने मुझे डंडे मारे। कौन है तू? क्यों रो रहा? क्यों भाई यार, रोना मना क्या? और कहीं बात तरबूज की शकल के मेरा क्या जा रहा? ले मैं तो लेट कर रो लेता हूँ। क्यों राउंड लगाई हुई ढाल रो रहा? भाई मेरे ना घर वाले मुझे घर में ना घुसन दे रहे, निकाल के बाहर खड़ा कर दिया। तूने जरूर अपने बाप की जेब से पैसे चुरा के फिल्म देखी होगी। भूंडी सिगल के मुझे चोर बतला रहा। निकल यहाँ से। नहीं निकलेगा हैं? मैंने कोई पैसे वैसे नहीं चुराए। मैं का चोर हूँ तो जरूर था ना किसी की लुगाई छेड़ दी होगी। भाई चिलम जी सिगल के आज तक मैंने अपनी सज्जों को नहीं छेड़ा, मोहल्ले की जनानी मुझे छेड़ूंगा। निकल यहाँ से चल। अरे खगड़, जब तक कोई जुर्म ही ना करा तो तू घर वालों ने बाहर कैसे काट दिया? पता नहीं भैया, तुम मेरे साथ मेरे घर चलो, मेरे घर वालों को समझा दो, मेरे अब्बू अम्मी को समझा दो, मैं चोर ना हूँ। अरे नू बता, तेरा नाम क्या है और तेरे बाप का नाम क्या है? तू मुझे अपने बाप का नाम बता, जो मैं उसे जाकर समझा दूं और तना तेरे घर में बैठ दूं। भाई इधर पे बैठ मूछ वाले, सुन बाप का नाम। मेरे बाप का नाम है अहमद अली और मेरा नाम है शेख चिल्ली। शेख चिल्ली? अरे तना तो मैं ढूंढता फिर रहा हूँ। क्यों भाई, मैंने क्या जुर्म कर दिया? तना 6 महीने पहले मेरे भाई तो दूध लिया था और पैसे आज लो नहीं दिए। ला निकाल पैसे। अबे कौन से पैसे? अरे जो तूने दूध लिया था। अरे भाई मैंने दूध कब लिया? अरे 6 महीने पहले मेरे भाई ने दूध लिया था। भाई पैसे निकाल रहा है। मैं चोर बता रहा हमें। अरे ओ पैसे दे रहा है, तेरा बनाऊं गधा। अभी क्या चोर बता रहा हमें? ना बिना गधा वाला बंद बनाइए। बेटा शेख चिल्ली, निकलने में फायदा, अगर इसने मुझे गधा बना दिया, सज्जा मुझे गधा कह देगी तो फिर मर जाऊंगा। ना ना कुछ ना, मैं दूध गिरगा। देखता हूँ घर में कौन कौन आज। बेटे की जान, साली खुद मजे से रोटी खा रही है और मुझे घर में भी नहीं घुसने देती। हाँ, और पहचानती भी नहीं है। क्या करूँ, अगर रोटी कैसे खाऊं? अगर रोटी जाकर सज्जा से मांगी तो मुझे पिटवा देगी साली। सोचता हूँ आइडिया। शेख चिल्ली को पागल समझ रही है। ठीक है। करवाता हूँ आइडिया। पागल मान लीजिए शेख चिल्ली को। खाती से करता हूँ, रोटी खाई थोड़ा थोड़ा खाऊंगा, सारी अपने आप खा रही है, अकेले अकेले खाएगी। चुरा के रोटी खाऊंगा। रिच की लगेगी पानी उठाओगी, एच की लगेगी पानी उठाओ। अरे अभी तो यहाँ इसमें 2 रोटी थी, एक रोटी कहाँ गई? यहाँ तो कोई कुत्ता भी नहीं आया, बिल्ली भी नहीं आई, मैंने भी नहीं खाई, फिर एक रोटी कहाँ गई? बिल्ली मैंने तो जल्दी खाई नहीं। अच्छा देख, खाट के नीचे से बाहर आया चुपचाप। अगर मैं खाट के नीचे आ गई तो अंजाम अच्छा नहीं होने का। हाँ छोड़ दे, मैं हूँ तेरा शेख चिल्ली। अरे शेख जी तुम नीचे क्या कर रहे हो? अच्छा अब मैं समझी, तुम मुझे चौंकाने के वास्ते ये सब कर रही हो ना। अच्छा चलो अब शराफत के साथ बाहर आ जाओ। शराफत के साथ बाहर आ जाओ? हाँ। तो मैं शराफत के साथ कैसे बाहर आ जाऊंगा? साला शराफत मेरे साथ आया ही नहीं। बुद्धू गई के। अच्छा चलो अकेले ही बाहर आ जाओ। हाँ अकेले आ जाऊंगा? पहले कसम खा तुम इसे पीटेगी नहीं, कसम खा सच। लो भला मैं तुम्हें क्यों पीटूंगी, तुम तो मेरे अच्छे से शौहर हो। चलो बाहर आ जाओ। ठीक है कर लिया बात, आता है शेख चिल्ली। देख 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 सच्चा देख, देख लो खोल दे, देख लो देख ले। अपनी अबू अपनी अपनी अबू अपनी बचाओ बचाओ। अरे ये तो डाकू हमारे घर में घुस आया। अरे मामले के डाकू ना है, ये तो गोली दे रहा है। अम्मी लगता है ये दोनों मर गए। अरे खुदा की बंदी रो क्यों रही है, मैं तो जिंदा हूँ। अरे तुम जिंदा हो? मैं तो समझी कि तुम मर गए। मैं जिंदा हूँ। आप ठीक हो? आपको लगी तो नहीं? आप ठीक है? अरे भाईजान क्या हो गया, कैसे रवा पीटा मत रहा तुम्हारे घर में? अरे भाईजान ये डाकू फिर से हमारे घर में घुस आया, इसे मैंने मार के बेहोश कर दिया। बेहोश कर दिया? अच्छा अभी देखता हूँ। भाभी जान, ये तो अल्लाह के घर पहुंच गया। क्या अबू, अब क्या होगा? अरे होगा क्या, अब इसका कफन का इंतजाम करते हैं, इसको दफनाने का इंतजाम करते हैं। हाँ अबू वो तो ठीक है, लेकिन पहले से दफनाने से पहले इसको रो तो लो, नहीं तो इसकी रूह भटकती रहेगी। अहमद भाई शेख चिल्ली घरवाली ठीक कह रही है, नहीं तो इसकी रूह भटकती फिरेगी। अस्सलाम वालेकुम। शेख जी, अरे शेख जी उठो, देखो रोटी ठंडी हो रही है, जल्दी उठो, रोटी खानी है। शेख जी, या अल्लाह कैसे करूँ इनका मैं, जब देखो सोना, हर वक्त सोना, और देखो नींद में कैसे कुमकरण हो रहे हैं। देखो शेख जी उठते हुए पानी डाल दूं। शेख जी, शेख जी, अरे शेख जी क्या कर रहे हो? शेख जी क्या कर रहे हो? क्या मैं जिंदा हूँ? तुम तो काले कुए खा के उतरे हो, इतनी जल्दी कैसे मर जाओगे? इसका मतलब तू चाह रही है कि मैं मर जाऊँ? कहीं मर जाऊँ जाके? मर जाओ नहीं, काम पे जाओ, आज रोटी तभी मिलेगी जब कमा के लाओगे। मैं ऐसी की तैसी कैसे ना काम, कान भर सुन, काम पे बिल्कुल नहीं जाऊँगा। मगर क्यों? मैं तेरे काम के चक्कर में कई बार मर के जिंदा हो लिया मैं। शेख जी ये तुम कैसी बातें कर रहे हो, पागलों वाली? मैं पागल होगी तू, तेरा बाप, तेरा खानदान, तेरे सब। मैं काम पर नहीं जाता, नहीं जाता, नहीं जाता। मत जाओ, मरो होके। मैं सच जाओ, ऐसी भला कौन होएगी जो अपने आदमी को काम पे भेज भी रही है और मरवा भी रही है? कोई औरत है ऐसी जो अपने आदमी को मरवाना चाहेगी? देख लो, ऐसी पहली औरत ऐसी अपने आदमी को मरवाना चाहती है। नहीं शेख जी, मैं तुम्हें मरवाना नहीं चाहती, बल्कि मैं तुम्हें समझा रही हूँ प्यार से। देखो अगर तुम काम पे जाओगे तो अम्मी की, अबू की, सबकी नज़रों में अच्छे बनोगे, और फिर मैं तुम्हें बहुत प्यार करा करूँगी। काम करने से इतना बड़ा प्रॉफिट है, इतना लाभ है, सब प्यार करा करेंगे, तुम प्यार करा करेगी। हाँ। भाईजान ये बढ़िया बेटा, ठीक है मैं काम पे जाया करूँगा। भाईजान अब सब काम पे जाया करो और अपनी बीवी की नज़र में अच्छे रहो, इनकी तरह।